This program is brought to you by IndianFunkar.com. नमस्कार, मैं रश्मि आपके साथ फिर से एक बार इंडियन फनकार पे. इंडियन फनकार जो आपके साथ कई सारी कविताओं को और अच्छी रचनाओं को आपके साथ, बेहतरीन रचनाओं को आपके साथ जोड़ता है और आप भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं इंडियन फनकार में. मेरी ये दूसरी प्रस्तुति है, दूसरी रचना आपके साथ. तो टाइटल है इंतजार. इंतजार है बस उसी एक तवारीख का मुझे पिछले 7 सालों से. इंतजार है मुझे बस उसी एक तवारीख का पिछले 7 सालों से. इसी दिन की प्रतीक्षा की है मैंने. इतनी सारी बातें, बस बातें ही तो की है हमने. जैसे कि हमें भी कोई अवार्ड फंक्शन में एक अलग सा किरदार मिलने वाला हो जिसका नाम हो मेरी आवाज ही पहचान है. जब भी बात होती, फोन कट करने से पहले मेरी भीगी हुई आवाज तुमसे एक ही मिन्नतें करती, बोलो ना कब मिलेंगे हम, कब मैं देख पाऊंगी उसे जिसे मैं इतने सालों से जानती हूँ, चाहती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, बताओ ना. और तुम कहते थे देखता हूँ जितना जल्दी आ सको. आखिरकार एक शाम तुम्हारी थर्राई हुई आवाज से तुमने बताया, सुनो मैं 14 तारीख को इलाहाबाद आ रहा हूँ, हम मिलेंगे और शाम की ट्रेन से लौटना भी है मुझे, तुम वक्त बचा के रखना. और इस बार मेरी आंखों की पलकों ने बरस कर मानो तुम्हारी इस आवाज को चूम सा लिया. आज 13 तारीख, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा. पता नहीं मैं कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ, अब तो एक सिहरन सी होने लगी है. डरने लगी हूँ मैं, हम मिलेंगे ना, बोलो ना. ये 7 सालों में, पूरे 7 सालों में ये पहली बार हुआ है कि मैंने 24 घंटों में तुम्हारी एक आवाज तक नहीं सुनी. ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि मेरी सांसें फिर भी चल रही हैं, मैं सोच भी पा रही हूँ, वो भी पूरे होशो हवास में. यार नहीं मिल रहा हमें, और ये बताने के लिए भी एक कॉल तो करो, बस एक सुकून दे दो कि तुम महफूज हो और मेरी सांसों का चलना नाजायज नहीं है, पर मुहर है इस बात का कि तुम महफूज हो. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. और अगर आपको ये रचनाएं पसंद आती है तो इंडियन फनकार को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें. थैंक यू एंड सी यू अगेन.